हमने जो घोषणा किया था कि 2 अक्टूबर 2021 तक इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो मैं सरजू जी में जल समाधि ले लूंगा, जिसको देखते हुए प्रशासन ने मुझे आज हाउस अरेस्ट कर लिया है। किंतु हमने भी हाउस अरेस्ट होते ही हमने जो है तो सरजू जल मंगा के रखा है और 12 बजे इसी जल में नाक डुबा करके प्राण को उत्सर्ग करने की हमारी तैयारी है। बताइए, बाबा कहते रह गए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, कहाँ पड़े हो दाल रोटी दवाई और पढ़ाई के चक्कर में, कर दो मुसलमानों को बेदखल इस देश से। अगर देश हिंदुस्तान है तो उसे हिंदू राष्ट्र बना दो, वरना सरयू नदी में कूद कर प्राण दे दूंगा। लेकिन हाय रे यूपी के लोग और कानून व्यवस्था। बाबा का माहौल बनता इससे पहले ही उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन बाबा जी भी कहाँ रुकने वाले थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, महंत जी ने प्लान बी तैयार कर लिया। 10 रुपए के सफ़ेद डिब्बे में सरयू नदी का पानी मंगवा कर रख लिया, इस दावे के साथ कि अगर पुलिस उन्हें नहीं छोड़ती है तो वो चुल्लू भर पानी में नाक डुबोकर समाधि ले लेंगे। इसे ही तो कहते हैं असली डेडिकेशन। हमने जो घोषणा किया था कि 2 अक्टूबर 2021 तक इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो मैं सरजू जी में जल समाधि ले लूंगा, जिसको देखते हुए प्रशासन ने मुझे आज हाउस अरेस्ट कर लिया है। किंतु हमने भी हाउस अरेस्ट होते ही हमने जो है तो सरजू जल मंगा के रखा है और 12 बजे इसी जल में नाक डुबा करके प्राण को उत्सर्ग करने की हमारी तैयारी है। देखता हूँ, भगवान की कृपा होगी, मैं अपने बात पर सफल होऊंगा, क्योंकि देश रहना चाहिए, प्राण रहे चाहे न रहे, और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए बिना देश की अखंडता नहीं हो सकती है। देश तभी बचेगा जब भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। नहीं, जिस तरह से ये आए दिन इस्लामिक मिशनरियाँ और इस्लामिक संगठन और ईसाई मिशनरियाँ हिंदुओं का धर्मांतरण करा रही हैं और तमाम तरह के जो है तो जो अपराध हो रहे हैं, ये चिंता का विषय है। ये दो देश को तोड़ने की एक बड़ी साजिश चल रही, गजवा हिंद की साजिश है, जिसको हम लोग जीते जी पूरा नहीं होने देंगे। अगर आज आपकी प्रतिज्ञा टूटती है तो अगला कदम आपका क्या होगा? अब अगला कदम जब टूटेगी तब तो ना, अभी तो देखेंगे। अगला अगर टूटेगी तो हम जब तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा उसके लिए बराबर संघर्ष करते रहेंगे। अभी तक कोई आश्वासन या कोई उच्च अधिकारी आपसे मुलाकात? अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सरजू जल हमारे हाथ में है। ऐसा नहीं है कि महंत परमहंस दास को अचानक से ये ख्याल आया हो, इससे पहले भी महंत जी कई बार पाकिस्तान मुसलमान आवाम निजाम कर चुके हैं। 25 मई को दोपहर 12 बजे आत्मदाह करने को लेकर भी संत परमहंस दास ने घोषणा किया था। हिंदू राष्ट्र को लेकर अपनी मांग के चलते संत परमहंस दास ने तपस्वी छावनी स्थित अपने आवास के पास चिता भी सजा ली थी, यहाँ तक कि चिता पूजन भी कर लिया था। सुर्खियां बढ़ी तो पुलिस ने उन्हें उन्हीं के कमरे में नजरबंद कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने 2 नवंबर को दोपहर 12 बजे सरयू नदी में जल समाधि लेने का ऐलान किया था। महंत परमहंस और उनकी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग। फिलहाल 12 बजे का टाइम था जो निकल चुका है और घड़ी में बज चुके हैं 2। बातचीत करने के लिए मौजूद हैं परमहंस जी। परमहंस जी, 12 बजे का टाइम दिया था आपने गांधी जयंती यानी कि आज का, अब तो 2 बज गया है, आपको तो यहाँ से निकलने नहीं दिया गया। आज मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन जैसा कि मैंने घोषणा किया था कि 2 अक्टूबर 2021 गांधी जयंती के दिन में 12 बजे यदि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जाता है तो मैं सरजू जी में जल समाधि ले लूंगा, जिसको देखते हुए प्रशासन ने मुझे आज नज़रबंद कर दिया है। लेकिन जब भी प्रशासन मुझे छोड़ेगा, जब भी प्रशासनिक जो है तो बेड़ियों से मैं मुक्त होऊंगा, तो हमारे लिए वही 2 अक्टूबर होगा, वही दिन का 12 बजे होगा, वही गांधी जयंती होगी और उसी समय मैं सरजू जी में जल समाधि लूंगा, क्योंकि अभी तो फोर्सली जबरदस्ती मुझे रोका गया है और जब मैं आजाद होऊंगा इनसे उसी समय मैं समझूंगा कि यही 2 अक्टूबर है और यही 12 बजे। पर आपको तो इस चीज का अंदेशा था ना, कि आपने तो पहले कल भी बोला था कि प्रशासन रोकने का पूरा प्रयास करेगा, मेरे पास प्लान बी है, प्लान सी है, तो उन प्लान्स का क्या हुआ? प्लान जो था हमारा, जब ये अंदर भी घुस आए, अगर अंदर न घुस आते तब तो हमारा था, लेकिन अंदर घुस आए तो इसलिए हमारा प्लान जो है वो वाला फेल हो गया। लेकिन जो हमारा अंतिम ब्रह्मास्त्र है कि जब भी नजरबंद से हम छूटेंगे तो हमारे लिए वही 2 अक्टूबर वही दिन का 12 बजे होगा, उसी समय जल समाधि। प्लान क्या था आपका कमरे के अंदर अगर नहीं आते तो? अब हमने ये रखा था, एक जो है जल रखा था सरजू जी का, दिखाएंगे आप? हाँ, वो जो है सरजू जल हम रखे थे तो हमने सोचा था इसी में नाक डुबाई करके, अब सरजू जल अब जाए तो नहीं पाएंगे, लेकिन प्रशासन अंदर से बाहर जा ही नहीं रहा है,
तो ये अभी जो है हमारा प्लान बी भी फेल हो गया है। तो इसको तो अभी भी कर सकते हैं, अब कर कैसे सकते, बैठे तो हैं, बैठे भी तो हैं लोग। तो इसलिए जो है हम इस पर अपने कायम है कि जिस समय हम छूटेंगे नजर बंद से उसी समय हम सरजू जी में जल समाधि लेंगे। अगर सरकार को लगता है कि हमारी मांग देश हित में है तो इसके लिए जो है कोई ठोस आश्वासन दे। अगर लगता है कि हम ऐसे डिमांड कर रहे हैं तो हम तो कहते हैं कि वेस्ट बंगाल में 2 मई को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद में जो लाखों हिंदुओं का मर्डर हुआ है क्या अनलीगल नहीं है? नहीं तो प्रशासन जैसे छोड़ देता है, मान लीजिए कल आपको छोड़ देता है, तो आप फिर जल समाधि लेंगे सरयू पे या फिर अपने दिखाया जल कमरे में जल समाधि लेंगे? नहीं, कमरे की बात तो तब थी कि जब बाहर से जो है तो पुलिस बल भारी संख्या में तैनात था, तो अंदर से हमने सोचा कि जब हम यहाँ इसी में नाक डुबाई करके सरजू जल में और शरीर छूट जाएगा, बाद में फाटक ओटक तोड़ करके डेथ बॉडी अपनाई करेंगे, तो ये समाज में चले जाएगा कि हिंदू राष्ट्र के लिए परमहंस जी ने इस तरह से जल समाधि लिया। और अगर ये जब छोड़ेंगे हमको, अभी बीच में अंदर घुसे हुए हैं, जब भी छोड़े, हम कहते हैं कि साल दो साल कभी न कभी तो छोड़ेंगे, ऐसा तो नहीं प्रशासन पूरा हमारे पास ही बैठा रहे। आपके विरोधी पर कह रहे हैं कि पहली बार का नहीं, महंत परमहंस से पहले भी करते हैं, एक बार चिता भी रख ली थी तब भी जो कुछ नहीं हुआ था, और इस बार भी उन्होंने दावा किया, इस बार भी कुछ नहीं है। मैं अजात शत्रु हूँ, मेरा कोई विरोधी नहीं, लोग हमको मानते हैं, मैं किसी को विरोधी नहीं मानता हूँ। और जो लोग कह रहे हैं उनको पता है कि राम मंदिर के लिए हमने आमरण अनशन किया, राम मंदिर बन रहा है उसमें हमने चिता भी लगा ली थी, और अयोध्या को अंडा मांस मदिरा मुक्त कराने के लिए हमने आमरण अनशन किया, वो भी जो है 5 कोस में अंडा मांस मदिरा बंद किया गया, और कई हमने जो मांगे उठाई तो वो सब पूरा हुआ है। और ये हिंदू राष्ट्र की मांग हमारी जो चल रही है यह भी देश हित में पूरा होगी, चाहे इसके लिए हमें प्राणों की जो है अपनी आहुति देना पड़े। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ महंत परमहंस, जिनका कहना है प्लान ए प्लान बी प्लान सी भले फेल हो गया, ब्रह्मासन के पास है, सरयू जल भी दिखाया इन्होंने कि किस तरह से कमरे के अंदर भी जल समाधि ले सकते हैं, पर फिलहाल इनका कहना है जब तक हाउस अरेस्ट है तब तक रुके हैं, और जिस समय हाउस अरेस्ट छूटेगा उसके बाद वो कभी भी जल समाधि ले सकते हैं। खैर, बाबा ने जल समाधि के बाद रामलीला मैदान में अनशन करने की धमकी दे दी है। वैसे भी आज शनिचर है, अकाल इतवार, क्या पता कल तक बाबा का हृदय परिवर्तन हो जाए और डिब्बी वाला जल समाधि से तौबा कर लें। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।